नॉर्थ कोरिया की मिसाइल के दक्षिण कोरिया के जल क्षेत्र के करीब आकर गिरने के बाद दोनों देशों में तनाव की स्थिति बन गई है। वहीं नॉर्थ कोरिया को जवाब देते हुए दक्षिण कोरिया ने भी एक के बाद एक तीन मिसाइलें दागकर यह साफ कर दिया है कि वह भी झुकने वाला नहीं है। आपको बता दें कि मिसाइल नॉर्थ कोरिया की एक दर्जन मिसाइलें दागे जाने के बाद से जवाब के रूप में फायरिंग की गई थी। इससे पहले दक्षिण कोरिया और अमेरिका के युद्धाभ्यास को देखने के बाद उत्तर कोरिया ने दोनों देशों को इतिहास में सबसे भयानक कीमत चुकाने के लिए परमाणु हथियारों का उपयोग करने की धमकी दी थी। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि 1948 समय देशों के विभाजन के बाद पहली बार उत्तर कोरिया मिसाइल समुद्री सीमा के इतने करीब गिरी थी। 7 दशक से अधिक समय पहले प्रायद्वीप के विभाजन के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब उत्तर कोरिया की प्रक्षिप्त मिसाइल दक्षिण कोरिया के क्षेत्रीय जल के करीब क्षेत्र में आकर गिरी है। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के संचालन निदेशक कॉन्ग शिन चुल ने कहा है कि उत्तर कोरिया मिसाइल प्रक्षेपण बहुत ही असामान्य और अस्वीकार्य है क्योंकि यह समुद्री सीमा के दक्षिण में दक्षिण कोरियाई क्षेत्र जल के करीब गिरी थी।